जो सेलिब्रेट किए जाते हैं उनके बारे में हमने देखा था आज के वीडियो के अंदर हम करंट अफेयर 2020 से रिलेटेड अगली वीडियो लेकर आए हैं जिसके अंदर जो भी महत्वपूर्ण डेज जो सेलिब्रेट किए गए हैं उनकी मेनली थीम क्या रही है तो कई बार जो है एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो हमने कोई इंटरनेशनल डे अगर मनाया है कोई भी नेशनल या इंटरनेशनल डे हमने मनाया है तो उसकी जो है थीम क्या हो तो इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं तो आज हम 2020 के अंदर जितने भी डेज सेलिब्रेट किए गए हैं उनकी थीम क्या रही है उसको इसके अंदर देखने वाले हैं तो देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्वेंटी जनवरी को जो नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है यानी राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो मनाया जाता है इसकी थीम क्या रही है तो इसकी थीम देखिए इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी यानी डेमोक्रेसी को स्ट्रोंगर करने के लिए उसको मजबूत बनाने के लिए इलेक्टोरल लिटरेसी से रिलेटेड बात की गई है मतलब आपके इलेक्शन से रिलेटेड क्या क्या राइट्स हैं यानी आपके वोटिंग राइट्स वगैरह उनके बारे में क्या करना है लोगों को जागरूक करना है तो ये इससे रिलेटेड है आगे देखिए थर्टी जनवरी ये जो है विश्व कुष्ठ दिवस यानी लेप्रेसी डे वर्ल्ड लेप्रेसी डे के रूप में मनाया जाता है तो इसकी थीम क्या रही है लेप्रेसी इज़ नॉट वट यू थिंक यानी लेब्रेसी वो नहीं है जो ऐसा कि आप उसको सोचते हैं आगे देखिए सेकंड फेब सेकेंड फरवरी की बात करते हैं तो ये मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे यानी विश्व आर्द्र भूमि दिवस तो इसके अंदर बात की गई है वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी की बायोडाइवर्सिटी क्योंकि हमें पता है कि जो वेटलैंड्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया होते हैं और इनके अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा जो डाइवर्सिटी है वो पाई जाती है इसी वजह से उनको यहाँ पर सेव करने की बात की जा रही है आगे देखिए फोर्थ फरवरी फोर्थ फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है और इसकी थीम रही है आई एम एंड आई विल मतलब मैं हूँ और मैं रहूँगा तो आई एम एंड आई विल आगे देखिए ट्वेंटी एट फरवरी को मनाया जाता है नेशनल साइंस डे नेशनल साइंस डे और इसकी थीम जो है वो क्या रही है विमेन इन साइंस क्योंकि हम देखते हैं कि विमेन का साइंस के फील्ड में कंट्रीब्यूशन काफ़ी कम होता है यानी वो साइंस के फील्ड को काफ़ी कम चुनती हैं लेकिन इनका बढ़ा जो विमेन है उनका रोल बढ़ाने के लिए साइंस के क्षेत्र में तो ये जो थीम है इसके ऊपर ये डे सेलिब्रेट किया गया है अगर देखिए एट मार्च की बात करते हैं तो ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसकी थीम रही है आई एम जनरेशन इक्वेलिटी रियलाइजिंग वीमेंस राइट ईच फॉर इक्वेल यानी हमें क्या करना है वीमेन्स के जो राइट्स हैं उनको रियलाइज करना है और इक्वेलिटी की यहाँ पर बात की गई है तो ये किसकी थीम रही है ये इंटरनेशनल वीमेन डे जो मनाया जाता है एट मार्च को उसकी थीम रही है आगे देखिए ट्वेल्थ मार्च को मनाया जाता है विश्व किडनी दिवस देखिए ट्वेल्थ मार्च को जो विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है उसकी थीम देखिए किडनी हेल्थ फॉर एवरी वन फ्रॉम प्रिवेंशन टू डिटेक्शन एंड इक्विटेबल एक्सेस टू केयर यानी जो हमारी किडनी वगैरह खराब हो जाती हैं उनसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है उनको प्रिवेंट करना है डिटेक्ट करना है प्रॉब्लम्स को और एक तरीके से केयर के लिए उनकी इक्विटेबल एक्सेस होनी चाहिए यानी कि उनका इलाज जो है वो आप करवा सकें आगे देखिए फिफ्टींथ मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है मतलब कंज्यूमर्स डे कंज्यूमर्स राइट्स के जो डे मतलब होते हैं उनसे रिलेटेड जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है और इस बार की थीम रही है द सस्टेनेबल कंज्यूमर आगे देखिए ट्वेल्थ 22 मार्च 22 मार्च जो है विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसका जो थीम रही है वो है वाटर एंड क्लाइमेट चेंज यानी जो क्लाइमेट चेंज है उसका और साथ साथ वाटर इन दोनों का आपस में जो है रिलेशन एस्टेब्लिश करते हुए वाटर को कंजर्व करने की बात की गई है आगे देखिए ट्वेंटी फोर्थ मार्च ये जो है विश्व तपेदिक दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसकी जो थीम रही है इट्स टाइम आगे देखिए सेकंड अप्रैल ये जो है विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है दिमाग से रिलेटेड ये प्रॉब्लम होती है लोगों को जो है इसको बोलने में भी थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो ये ऑटिज्म इसके बारे में हमने कल वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था तो इसकी थीम जो है वो रही है द ट्रांजिशन टू एडल्ट यानी एडल्ट के अंदर परिवर्तन होना किस तरीके से ट्रांजिट होता है आगे देखिए फिफ्थ अप्रैल राष्ट्रीय समुद्री वेद दिवस राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में मनाया जाता है तो देखिए इसके अंदर किससे रिलेटेड बात की गई है सस्टेनेबल सिपिंग फॉर सस्टेनेबल प्लेनेट यानी हमने क्या करना है सिपिंग का अच्छे से यूज करना है ताकि हमारा जो प्लेनेट है यानी हमारा जो ग्रह है पृथ्वी वो एक तरीके से सस्टेनेबली जो है वो वर्क कर सके यानी हमारे आने आ, आने आगे आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए भी सस्टेनेबल रूप से ये काम कर सके आगे देखिए सेवेंथ अप्रैल ये जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस बार की थीम रही है सपोर्ट नर्सिस एंड मिडवाइफ्स यानी नर्सिस को सपोर्ट करना है और मिडवाइफ्स को सपोर्ट करना है तो ये देखिए नर्सिस का काफ़ी ज़्यादा आप देख रहे हैं एक तो कोविड नाइन्टीन की सिचुएशन थी और इसमें जो है नर्सिस और डॉक्टर का काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट रोल इसके अंदर रहा है तो इसलिए जो है इस दिवस को नर्सिस को सपोर्ट करने के लिए और मिडवाइफ्स को सपोर्ट करने के लिए ये डे मनाया गया है आगे देखिए टेंथ अप्रैल ये जो है विश्व होम्योपैथी दिवस के रूप में मनाया जाता है और इससे रिलेटेड जो थीम है लिंकिंग रिसर्च विद एजुकेशन एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस यानी आपने जो है रिसर्च को एजुकेशन के साथ जोड़ना है और साथ साथ क्लिनिकल प्रैक्टिस भी उनको करवानी है सेवनटीन अप्रैल विश्व हीमोफीलिया दिवस देखिए ये जो है ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर था इसके अंदर हमने देखा था कि हेमोफीलिया ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर है और इसकी जो है थीम रही है गेट इन्वाल्व आगे ट्वेंटी सेकेंड अप्रैल ये है अर्थ डे पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस बार की थीम है क्लाइमेट एक्शन यानी आपने क्लाइमेट को बचाना है क्लाइमेट के अंदर जो एडवर्स चेंज होते हैं उसको आपने प्रोटेक्ट करना है हमारी अर्थ को इन सब चेंजेस से आगे देखिए ट्वेंटी अप्रैल ये जो है विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसकी थीम रही है जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी यानी मलेरिया का कोई भी केस नहीं आना चाहिए और आपको भी जो है मलेरिया से प्रोटेक्ट होना है ताकि यहाँ पर मलेरिया का कोई भी केस ना रहे थर्ड मई यानी तीन मई जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यानी प्रेस की फ्रीडम से रिलेटेड ये मनाया जाता है इसके अंदर थीम रही है जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर यानी जर्नलिज्म को क्या करना है बिना किसी डर के जो है अपनी बातें जो है वो सामने रखनी है सच्चाई को सामने लेकर आना है आगे देखिए फिफ्थ मई फिफ्थ मई है विश्व अस्थमा दिवस इसकी थीम रही है एनफ अस्थमा डेथ्स यानी काफी हो चुकी है अस्थमा और अब इनको क्या करना है हमने रोकना है आगे देखिए फिफ्टींथ मई फिफ्टींथ मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस यानी इंटरनेशनल फैमिली डे मनाया जाता है और इसकी थीम रही है फैमिलीज इन डेवलपमेंट ओपन एंड बीजिंग प्लस ट्वेंटी फाइव कोपन हेन एक डिक्लेरेशन हुई थी और बीजिंग भी, भी uh, की भी दोनों की एक डिक्लेरेशन हुई है जिसको ट्वेंटी फाइव ईयर्स जो वो कंप्लीट हो चुके हैं इसलिए उसके उपलक्ष में जो है इसकी थीम को रखा गया है कि फैमिलीज इन डेवलपमेंट यानी जो डेवलपमेंट आजकल हम देख रहे हैं चारों तरफ जो है विकास ही विकास हो रहा है और किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन ये सारी चीज़ें जो है बढ़ती जा रही हैं और उसके अंदर जो है हमारी फैमिलीज़ जो हैं वो कहीं ना कहीं सफ़र कर रही हैं यानी हम संयुक्त परिवार से जो है एकल परिवार तक आ चुके हैं तो ऐसे में हमने अपनी फैमिली को किस तरीके से उनको प्रोटेक्ट करना है आगे देखिए सेवनटीन्थ मई ये जो है विश्व दूरसंचार दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसकी थीम रही है कनेक्ट टू थाउजेंड थर्टी टू थाउजेंड थर्टी को आपने कनेक्ट करना है इसके साथ आई सी टी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी आपने आई सी टी का यूज़ करना है जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसका यूज करना है आपने आगे देखिए सेवेंटीन मई विश्व हाइपर दिवस के रूप में मनाया जाता है अब देखिए हाइपर आपको पता है कि लोग आजकल के जिस युग में रह रहे हैं तो इस टाइम पर जो है लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रेशर टेंशन स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है तो इससे रिलेटेड जो है ये डे सेलिब्रेट किया जाता है और इसकी थीम रही है मेजर्स योर ब्लड प्रेशर आपने अपना मेजर करना है कंट्रोल करना है इसको और लीव लौंगा और लंबे टाइम तक आपने जीवित रहना है आगे ट्वेंटी मई ये जो है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यानी बायोडावर्सिटी डे के रूप में मनाया जाता है और इसकी थीम रही है आवर सोल्यूशन आर इन नेचर यानी हमारी हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो नेचर के पास है और इसलिए आपने जो है बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है चाहे वो हमारा एनिमल्स यानी हमारा जो है फ्योना है या फिर फ्लोरा है यानी प्लांट्स हैं आगे देखिए एटीनथ मई एटींथ मई जो है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसकी थीम रही है म्यूजियम फॉर इक्वेलिटी डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिव आगे देखिए ट्वेंटी मई ये जो है विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसकी थीम रही है सेव द बीज यानी हमने बीज को मधुमक्खी उसको क्या करना है प्रोटेक्ट करना है उनको बचाना है आगे देखिए थर्टी फर्स्ट मई थर्टी फर्स्ट मई जो है वो मनाया जाता है तम्बाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है मतलब वर्ल्ड नो तम्बाकू डे दे. अब देखिए इसकी जो थीम रही है प्रोटेक्ट करना है यूथ को फ्रॉम इंडस्ट्री मैन्यपुलेशन एंड प्रिवेंशन दम फ्रॉम द टबैको एंड द निकोटीन यूज़ यानी निकोटीन का यूज करने से रोकना है टबैकू का यूज करने से रोकना है और हमने क्या करना है अपने युवा जो पीढ़ी है उसको प्रोटेक्ट करना है आगे देखिए फर्स्ट जून जो फर्स्ट जून है विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है यानी वर्ल्ड मिल्क डे के रूप में मनाया जाता है और ये जो है ट्वेंटी एनिवर्सरी रही है मिल्क डे की आगे देखिए फिफ्थ जून विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसकी थीम रही है बायोडाइवर्सिटी यानी हमने जैव विविधता को प्रोटेक्ट करना है आगे देखिए एट्थ जून ये विश्व महासागरीय दिवस के रूप में मनाया जाता है और हमने यहाँ पर जो थीम अब की बार ली है वो है इनोवेशन फॉर द सस्टेनेबल ओशन यानी हमने ओशन का यूज़ करना है जो महासागर हैं उनका अच्छे से सस्टेनेबली यूज़ करना है उनको हमने जो है पोल्यूट नहीं करना है इस तरीके से जो है हम देखते हैं कि बहुत सारा पोल्यूशन की वजह से यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा ओशियन के अंदर भी पोल्यूशन देखने को मिल रहा है तो उसका भी हमने सस्टेनेबली यूज़ करना है आगे देखिए नाइन्थ जून को विश्व प्रत्यायन दिवस के रूप में मनाया जाता है देखिए वर्ल्ड एक्रेडिशन डे के रूप में इसको मनाया जाता है और इस बार की थीम रही है एक्रेडिशन डे मतलब की व्यापार या जो हमारी अर्थव्यवस्था है यानी ट्रेड और इकोनमी है जो उसको बढ़ावा देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है और इस बार की थीम रही है एक्रीडेशन इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी यानी सबको हमने क्या करना है कम से कम फूड प्रोवाइड करना है और कोई भी जो है व्यक्ति भूखा ना रहे तो इसलिए जो है ये इस बार की थीम रही है आगे देखिए ट्वेल्थ जून ट्वेल्थ जून जो है विश्व बाल श्रम निवेद दिवस यानी चाइल्ड लेबर को आपने क्या करना है रोकना है तो उससे रिलेटेड है और यहाँ पर थीम रही है प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन ईवियर मतलब पहले से ज़्यादा आपने जो है बच्चों को इससे प्रोटेक्ट करना है आगे देखिए थर्टी जून थर्टी जून रहा है विश्व एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस एल्बिनिज्म होता है रंगहीनता रंगहीनता कई लोगों को जो है रंगहीनता से रिलेटेड बीमारी होती है आँखों से रिलेटेड जो बीमारी होती है उससे रिलेटेड लोगों को जागरूक करना है और उनके अधिकारों से आ, के लिए उनको जागरूक करना है देखिए थर्टीन जून जो है वो विश्व एल्बिन एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है एल्बिनिज्म होता है मतलब रंगहीनता रंगहीनता इस बार की थीम रही है मेड टू साइन कि आपने क्या करना है साइन करना है रंगहीनता मतलब लोगों से क्या किया जाता है डिस्क्रिमिनेट जिस तरीके से किया जाता है उनके रंग के आधार पर एक तरीके से उनको क्या करना है उनके साथ जो मानवाधिकार उनके जो अधिकारों का उल्लंघन होता है उनके अधिकारों के जो वायलेशन होता है उनके प्रति उनको क्या करना है जागरूक करना है आगे देखिए फोर्टीन जून फोर्टीन जून को मनाया जाता है विश्व रक्तदाता दिवस यानी आपने क्या करना है ब्लड डोनेट करना है तो सेव ब्लड एंड सेव लाइफ्स आगे देखिए सेवनटींथ जून ये जो है विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस यानी आपने डेजर्टिफिकेशन को रोकना है जो लगातार जो है सूखा पड़ता जा रहा है जिसकी वजह से हमारी लैंड जो है वो एक तरीके से सूखे के अधीन होकर हमारी लैंड जो है वो मुरस्थल में बदलती जा रही है उसको हमने क्या करना है उसको हमने रोकना है और इसके लिए हमारी जो अब की बार की थीम रही है फूड फीड फाइबर ये जो है थ्री एफ इनको क्या करना है लिंक बिटवीन द कंजम्पशन एंड लैंड इनके साथ जो है आपने इनकी कंजम्पशन और लैंड के साथ इनको लिंक करना है आगे देखिए ट्वेंटी जून ट्वेंटी जून को विश्व शरणार्थी दिवस यानी वर्ल्ड रिफ्यूजी डे के रूप में मनाया जाता है और इस बार की थीम है एवरी एक्शन काउंट यानी हर एक एक्शन काउंट होता है और आपने क्या करना है शरणार्थियों के लिए जो रिफ्यूजीज हैं उनके लिए आपने कार्य करना है चाहे आप उनके लिए थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर पाएं आगे देखिए ट्वेंटी फर्स्ट जून ट्वेंटी फर्स्ट जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस बार की थीम है योगा फॉर हेल्थ योगा एट होम आपने घर के अंदर ही योगा करना है और अपनी हेल्थ के लिए योगा करना है और योगा एट होम किस लिए किया गया है क्योंकि आपने देखा है कोविड नाइन्टीन की पेंडेमिक जिसकी वजह से आपको बाहर जो है एक सोशल आप पब्लिक गैदरिंग नहीं की जा सकती इसलिए आपने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने घर के अंदर ही योगा करना है आगे देखिए ट्वेंटी फर्स्ट जून को एक और दूसरा डे जो बनाया गया है विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस और इससे रिलेटेड जो थीम रही है हाइड्रोग्राफी इनेबलिंग एटोनमस टेक्नोलॉजी अब देखिए हाइड्रोग्राफी जैसे कि पिछली वीडियो के अंदर भी हमने देखा था कि हाइड्रोग्राफी किससे रिलेटेड होती है जो ओशन होते हैं हमारे सी होते हैं और साथ साथ जो कोस्टल एरिया होता है उनकी जो फिजिकल फीचर्स होती हैं उनसे रिलेटेड जो मेजरमेंट की जाती है उसको हम हाइड्रोग्राफी बोलते हैं आगे देखिए फर्स्ट जुलाई फर्स्ट जुलाई को जो है वर्ल्ड चिकित्सक जो नेशनल चिकित्सक डे यानी डॉक्टर्स दिवस डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है और इसकी बार अब की बार जो थीम रही है लेसन द मोर्टैलिटी ऑफ कोविड नाइन्टीन यानी कोविड नाइन्टीन से मरने वाले जो लोगों की संख्या उसको आपने क्या करना है कम करना है आगे देखिए फोर्थ जुलाई फोर्थ जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस बार की जो आ, थीम रही है कोप्स क्लाइमेट एक्शन यानी क्लाइमेट एक्शन आपने क्लाइमेट को सेव करने के लिए क्या करना है यहाँ पर एक्शन लेना है आगे देखिए इलेवेंथ जुलाई ये जो है विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसके लिए थीम रही है पुटिंग द ब्रेक्स ऑन द कोविड नाइन्टीन कोविड नाइन्टीन के ऊपर क्या करना है ब्रेक लगाना है सेफ गार्डिंग हेल्थ एंड राइट ऑफ द दिमेन एंड द गर्ल्स और उसके साथ साथ आपने सेफ गार्ड करनी है हेल्थ और राइट्स किसके विमेन एंड गर्ल्स के आगे देखिए फिफ्टीन जुलाई फिफ्टीन जुलाई जो है विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस बार की थीम रही है स्किल फॉर रिजिलियंट यूथ आगे देखिए ट्वेंटी जुलाई ट्वेंटी जुलाई मनाया जाता है विश्व शतरंज दिवस के रूप में और इस बार की थीम रही है चेस फॉर रिकवरिंग बेटर

ये दिवस मनाया जाता है और इस बार की थीम रही है committed to the cause working on the front line of end to end human trafficking यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग को एंड करने के लिए आपको आपको फ्रंट लाइन पर काम करना है आगे देखिए 9 अगस्त 9 अगस्त को जो है विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और इससे रिलेटेड जो थीम रही है कोविड नाइन्टीन एंड इंडिजीनियस पीपल रिजिलेंस यानी जो हमारी आ, देश से रिलेटेड जो लोग हैं वो अगर दूसरे आ, हमारी कंट्री के जो लोग हैं वो दूसरे कंट्री के अंदर रहते हैं तो उनसे रिलेटेड जो है ये दिवस मनाया गया है और उनको जो है आ, देखा है आपने कि कई देशों ने अपने नागरिकों को वापस अपनी कंट्री के अंदर बुलाया है और उनको अच्छे से जो है प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करवाई गई है ड्यूरिंग कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक आगे देखिए टेंथ अगस्त ये जो है विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है और इससे रिलेटेड जो थीम रही है बायोफ्यूल टूअर्ड्स आत्मनिर्भर भारत यानी हमने क्या करना है अपने लिए खुद जो है ईंधन का ईंधन को डेवलप करना है बायोफ्यूल हमने बनाना है ताकि हमारी जो दूसरे कंट्री के ऊपर जो निर्भरता है उसको कम किया जा सके क्योंकि हम हम देखते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर जो ज़्यादातर पेट्रोल डीजल जो भी ऑयल जो है वो मेनली कहाँ से आता है इंपोर्ट करके आता है यानी दूसरी कंट्री से खरीदते हैं हम बहुत ज़्यादा मात्रा में लेकिन एक आत्मनिर्भर भारत जो एक अलग से जो अभियान शुरू किया गया है उसके अंदर ये डिसाइड किया गया है कि हम अपनी कंट्री के अंदर ही बायोफ्यूल पैदा करें ताकि हमें दूसरे जो देश हैं उनके ऊपर निर्भर ना रहना पड़े आगे देखिए ट्वेल्व अगस्त ट्वेल्व अगस्त को ये जो है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया गया है और इस बार की थीम है यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन यानी हमने यूथ को इन्वॉल्व करना है ग्लोबल एक्शन लेने के लिए आगे देखिए 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है और इस बार की थीम रही है लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड नाइन्टीन क्राइसिस एंड बियॉन्ड यानी टीचिंग लर्निंग किस तरीके से करानी है ड्यूरिंग कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक ताकि बच्चों की पढ़ाई जो है वो अफेक्ट ना हो सके तो इससे रिलेटेड जो है ये थीम रही है आगे देखिए सिक्सटीन सेप्टेम्बर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस बार की थीम रही है ओजोन फॉर लाइफ लाइफ के लिए बहुत जरूरी है ओजोन थर्टी फाइव ईयर ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन और आपने जो है थर्टी फाइव ईयरस ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन में आपने लगाने हैं आगे देखिए सेवेंटीन सेप्टेंबर विश्व रोगी सुरक्षा दिवस यानी रोगियों की सुरक्षा से रिलेटेड है तो यहाँ पर थीम रही है हेल्थ वर्कर सेफ्टी रोगो रोगी की सुरक्षा करेंगे तो जो यहाँ पर हेल्थ वर्कर काम कर रहे हैं उनकी सेफ्टी भी जरूरी है ए प्रोरिटी फॉर द पेशेंट सेफ्टी ताकि रोगी की भी सुरक्षा की जा सके और रोगी कब सुरक्षित रहेगा जो पेशेंट है वो कब सुरक्षित रहेगा जब उसकी केयर करने वाले यानी जो हेल्थ वर्कर है हमारे डॉक्टर्स नर्सेज वगैरह वो भी हमारे क्या होंगे वो भी सेफ रहेंगे आगे देखिए एटीन सेप्टेंबर को मनाया जाता है विश्व बांस दिवस के रूप में और इस बार की थीम रही है बैंबू नाव आगे देखिए एटीन सेप्टेंबर को एक और दिवस मनाया जाता है यह विश्व जल निगरानी दिवस और इस बार की थीम रही है सोल्व वाटर 21 सितंबर को मनाया जाता है विश्व शांति दिवस और इस बार की थीम रही है पीस टुगेदर कि किस तरीके से हम मिलकर इकट्ठे पीस शांति को बनाए रख सकते हैं आगे देखिए 21 सितंबर को एक और दिवस मनाया जाता है विश्व अलमाइजर दिवस और इस बार की थीम रही है लेट्स टॉक अबाउट डिमेंटिया ये देखिए एक जो है माइंड से रिलेटेड दिमाग से रिलेटेड एक जो है आप बोल सकते हैं डिजीज है और इससे रिलेटेड जो है जागरूकता फैलाने के लिए ये जो डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है आगे देखिए ट्वेंटी थर्ड सेप्टेम्बर वो दिवस मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस यानी साइन लैंग्वेज जो हम यूज़ करते हैं तो इसके लिए थीम रही है साइन लैंग्वेज आर फॉर एवरी वन साइन लैंग्वेज जो है वो हर एक के लिए उसको यूज़ करनी आनी चाहिए आगे देखिए ट्वेंटी फोर्थ सेप्टेंबर ये जो है विश्व समुद्री दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस बार की थीम रही है सस्टेनेबल सिपिंग फॉर अ सस्टेनेबल प्लेनेट। यानी एक सस्टेनेबल प्लानट यानी जो हमारी अर्थ है उसको सस्टेनेबली रखने के लिए हमने क्या करना है शिपिंग को सस्टेनेबली यूज़ करना है यानी जो शिपिंग वगैरह जो होती है मतलब जो हम ओशन का यूज़ करते हैं उसके अंदर जो जहाज़ वगैरह चलते हैं उनकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन जो है हमारे ओशन के अंदर फैल जाता है और जिसकी वजह से हमारा प्लेनेट जो है और उसके अंदर जो जीव रहते हैं ओशन के अंदर उन सबको एक तरीके से खतरा पैदा हो जाता है तो इसलिए हमने उनको भी प्रोटेक्ट करना है आगे देखिए ट्वेंटी सेवन्थ सेप्टेम्बर को जो है विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस बार की थीम रही है टूरिज्म एंड द रूरल डेवलपमेंट यानी टूरिज्म को बढ़ावा देना है और साथ साथ में जो रूरल एरियाज़ हैं उनकी भी डेवलपमेंट आपने करनी है आगे देखिए ट्वेंटी एथ सेप्टेम्बर जो है विश्व रेबीज डे के रूप में मनाया जाता है और इसकी थीम रही है एंड रेबीज रेबीज को क्या करना है ख़त्म करना है कोलेबरेट वैक्सीन नेट ये आपने जो है रेबिज को ख़त्म करना है और उसके लिए जो है कोलेबरेटिव आपने क्या करनी है वैक्सीन जो है टीकाकरण जो है वो उसके लिए करना है आगे देखिए ट्वेंटी नाइन्थ सेप्टेम्बर को विश्व हृदय दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसकी जो थीम रही है यूज हार्ट टू बीट कार्डियोवस्कुलर डिजीज यानी आपने अपने हार्ट को यूज करना है जो हार्ट से रिलेटेड बीमारी हैं उनको बीट करने के लिए यानी उनको हराने के लिए आगे देखिए थर्टीथ सेप्टेम्बर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस अनुवाद दिवस मतलब ट्रांसलेशन डे इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे मनाया जाता है इस बार की थीम रही है फाइंडिंग द वर्ड फॉर अ वर्ल्ड इन क्राइसिस यानी हम ये जो वर्ड है संसार है इस क्राइसिस के दौरान हमें उसके लिए कोई वर्ड ढूंढ ले कर लेकर आना है कोई शब्द ढूंढ कर लेकर आना है आगे देखिए फाइव अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस और इस बार की थीम रही है टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस यानी टीचर्स जो हैं, वो इस क्राइसिस के दौरान किस तरीके से लीड कर सकते हैं और किस तरीके से हमारे फ्यूचर को बना सकते हैं, बच्चों का बना सकते हैं। आगे देखिए फाइव अक्टूबर को एक और डे मनाया जाता है विश्व आवास दिवस आवास दिवस मतलब हाउसिंग हाउसिंग से रिलेटेड आगे देखिए इसकी थीम रही है हाउसिंग फॉर ऑल अ बेटर अर्बन यानी सबके लिए घर होना चाहिए आगे देखिए टेंथ अक्टूबर ये मनाया जाता है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस यानी जो हमारी मेंटल हेल्थ है उससे रिलेटेड और इस बार की थीम रही है मेंटल हेल्थ फॉर ऑल यानी सबकी मेंटल हेल्थ जो है वो अच्छी होनी चाहिए आगे देखिए फोर्टीन अक्टूबर ये जो है अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस के रूप में मनाया जाता है यानी जो स्टैंडर्ड्स डिसाइड करते हैं हम उससे रिलेटेड है ये और इसकी थीम रही है प्रोटेक्टिंग द प्लैनिट विद स्टैंडर्ड्स हमने प्लैनिट को अपने जो ग्रह है उसको क्या करना है प्रोटेक्ट करना है सुरक्षित करना है विद स्टैंडर्ड मानकों को डिसाइड करके आगे देखिए फिफ्टीन अक्टूबर ये जो है अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है और देखिए इस बार की थीम जो रही है वो क्या है बिल्डिंग रूरल वीमेन रिजिलियंस इन वेक ऑफ कोविड नाइन्टीन यानी जो रूरल एरिया के अंदर जो विमेन हैं वो भी अच्छे से काम कर सके ड्यूरिंग कोविड नाइनटीन कोविड नाइनटीन के दौरान भी आगे देखिए एक और डे सेलिब्रेट किया जाता है जो फिफ्टीन अक्टूबर को है विश्व हैंड वॉशिंग डे यानी हैंड वॉश करना है इसलिए हैंड वॉशिंग हैंड हाइजीन फॉर ऑल यानी सबकी हाथों की सफाई के लिए ये हमने जो है हैंड वॉशिंग डे सेलिब्रेट करना है ताकि इस टाइम पीरियड के दौरान यानी जो कोविड नाइन्टीन का जो क्राइसिस आया हुआ है उसके दौरान भी हम क्या रह सके स्वस्थ और सुरक्षित रह सकें आगे देखिए सिक्सटीन अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस बार की थीम रही है ग्रो नरिश एंड सस्टेन टुगेदर, ग्रो नरिश सस्टेन टुगेदर, विश्व खाद्य दिवस आगे देखिए सेवनटीन अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन यानी क्या करना है पॉवर्टी को इरेडिकेट करना है उससे रिलेटेड जो है सेवन सेवनटीन अक्टूबर को मनाया जाता है डे और इस बार की थीम रही है एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड एनवायरमेंटल जस्टिस फॉर ऑल यानी सभी को क्या करना है सोशल और एनवायरमेंटल जस्टिस प्रोवाइड करनी है आगे देखिए ट्वेंटी अक्टूबर ट्वेंटी अक्टूबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल सेफ़ डे सेफ़ जो खाना बनाते हैं ना सेफ़ उनको बोलते हैं तो देखिए थीम रही है हेल्दी फूड फॉर द फ्यूचर फ्यूचर के लिए क्या करना है हेल्दी फूड आगे देखिए एक और ट्वेंटी अक्टूबर को एक और मनाया जाता है डे विश्व संख्या की दिवस स्टेटिस्टिक्स डे और इसकी थीम रही है कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद द डाटा वी कैन ट्रस्ट ऐसे डाटा के साथ वर्ल्ड को कनेक्ट कर वर्ल्ड को कनेक्ट करना है जो जिस पर हम ट्रस्ट कर सकें आगे देखिए ट्वेंटी सेकेंड अक्टूबर ये जो है इंटरनेशनल स्टैटरिंग स्टैटरिंग अवेयरनेस डे स्टैटरिंग होता है हकलाना हकलाना और इस बार की थीम रही है जर्नी ऑफ वर्ड्स रिजिलियंस एंड बाउंसिंग बैक यानी वर्ड्स की शब्दों की जर्नी यानी हकलाने वाले जो पर्सन हैं उनके लिए ये अवेयरनेस डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है ट्वेंटी फोर्थ अक्टूबर विश्व पोलियो दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस बार की थीम रही है ए विन अगेंस्ट पोलियो इज विन फॉर ग्लोबल हेल्थ अगर आप पोलियो से जी चाहते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप पूरी की पूरी जो ग्लोबल है पूरा ग्लोबल लेवल पर आप अच्छी हेल्थ जो है वो अचीव कर लेते हैं आगे देखिए ट्वेंटी सेवन अक्टूबर ये जो है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल हेरिटेज डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार की थीम रही है यूअर विंडो टू द वर्ल्ड यूअर विंडो टू द वर्ल्ड ऑडियो विजुअल हेरिटेज जिसको आप जो है सुन सकते हैं देख सकते हैं ऐसी हेरिटेज के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए आगे देखिए टेंथ नवंबर जो है विश्व विज्ञान दिवस के रूप में आ, मनाया जाता है वर्ल्ड साइंस डे के रूप में मनाया जाता है और इस बार की थीम रही है साइंस फॉर एंड विद सोसाइटी यानी सोसाइटी के लिए और सोसाइटी के साथ क्या है साइंस आगे देखिए फोर्टीनथ अक्टूबर ये जो है विश्व मधुमेह दिवस यानी डायबिटीज़ डे के रूप में मनाया जाता है और इस बार की थीम रही है द नर्स एंड द डायबिटीज़ आगे एटीनथ नवंबर ये जो है वर्ल्ड कोपैड डे के रूप में मनाया जाता है और ये जो थीम है कोपैड डे मतलब ये जो है एक परलिमिनरी यानी फेफड़ों से रिलेटेड लंग्स से रिलेटेड जो है एक बीमारी है उससे रिलेटेड जो है ये डे सेलिब्रेट किया जाता है उससे रिलेटेड अवेयरनेस फैलाने के लिए और इस बार की थीम रही है लिविंग वेल विद कोपैड एवरी डे एवरी वीयर यानी लंग्स से रिलेटेड जो बीमारी है उसको उससे रिलेटेड अवेयरनेस फैलाने के लिए नाइनटीन नवंबर को विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस बार की थीम रही है सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज यानी आपने सैनिटेशन सफाई साफ़ सफाई रखनी है और अपने अपने क्लाइमेट को क्या करना है उसको भी साफ सुथरा रखना है आगे देखिए ट्वेंटी नवंबर ये जो है अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है ट्वेंटी नवंबर और इस बार की जो थीम रही है इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द एफ ए एफ़ सी एफ़ टी अब ये क्या है ये देखिए ये अफ्रीकन जो कंट्री हैं उनका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उनके बीच में जो फ्री ट्रेड जितनी भी अफ्रीकन कंट्री हैं उन्होंने आपस में जो है जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया हुआ है वो सारी कंट्रीज़ के द्वारा ये डे सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार की थीम रही है कि इन्होंने अपने जो रीज़न है वहाँ पर इन्होंने सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देना है तो ये डेज हमारे पर फिनिश होते हैं उनकी थीम जो है वो भी यहां पर फिनिश होती हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर पूछ सकते हैं इफ यू लाइक वीडियो दे प्लीज लाइक शेयर फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन ऑफ वीडियो थैंक यूं सेल्फ एंड गॉड update.